हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे हफपफ किट के बारे में। बहुत सारे पेरेंट्स की ये क्वायरी आई थी कि बच्चों में हफपफ किट सही तरीके से यूज़ कैसे कर सकते हैं और हफपफ किट को यूज़ करने के बाद उसको कैसे क्लीन करते हैं और कितने दिन के बाद हम हफपफ किट को रिप्लेस करें। तो ये सब कुछ आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि हफपफ किट कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हफपफ किट उन बच्चों को दिया जाता है जिनको एस्थमा की दिक्कत है या वीजिंग वाली कफ की दिक्कत है। तो ऐसे टाइम पे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि इन्हेलर की जो दवा है उसको लेने के लिए बच्चों को हफपफ किट का प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। और हफपफ किट जनरली उन बच्चों को दिया जाता है जो 4 साल से कम उम्र के हैं और उनको इन्हेलर लेने के लिए इस डिवाइस का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले तो हफपफ किट के अंदर क्या होता है हम देख सकते हैं कि ये है हफपफ किट। और इसमें बेसिकली क्या है, दो ही चीज़ें हैं इसके अंदर, एक तो ये स्पेसर है और एक मास्क है। ये मास्क क्या करता है, बच्चे की फेस पे अच्छे से अटैच हो जाता है, उसके नोज़ और माउथ के ऊपर उसके शेप के अकॉर्डिंगली बनाया गया है। तो ये अच्छे से अटैच हो जाता है और इसमें कोई लीक नहीं होती, दवाई डायरेक्टली नोज़ और माउथ से होते हुए बच्चे के लंग्स में जाती है। दूसरा है ये ट्रांसपेरेंट स्पेसर डिवाइस है। ये जो स्पेसर डिवाइस है ये ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें हमें दिख जाता है कि दवाई जा रही है अंदर, और साथ साथ लीक प्रूफ है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी दवाई इसके अंदर जाती है वो एक वन वे येलो वाल्व की वजह से सीधा नोज़ और माउथ से होते हुए लंग्स में जाती है और कहीं भी लीक नहीं होती है। वन वे वाल्व का मतलब ये है कि जब बच्चा एक्सहेल करता है तो जो हवा बच्चा छोड़ता है वो इसके अंदर वापस आके दवाई के साथ मिक्स नहीं होती है, वो यहाँ पर एक वन मोर वन वे वाल्व है, उससे बाहर इन्वायरमेंट में निकल जाती है। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव डिवाइस है, इससे बहुत हाई परसेंटेज दवाई की डिलीवरी बच्चे को हो जाती है और इससे क्या होता है कि दवाई की वेस्टेज नहीं होती ज़रा भी। तो अब हम डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं कि कैसे हफपफ किट बच्चों को देते हैं। तो हफपफ किट के लिए सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपके पास इन्हेलर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसको हमें पहले शेक करना होता है वर्टिकल डायरेक्शन में, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके अप टू 5 to 10 टाइम्स हमें इसको वर्टिकल डायरेक्शन में शेक करना है, जिससे क्या होता है कि जो प्रोपेलर और मेडिसिन है वो आपस में मिक्स हो जाती है। मिक्स होने के बाद हम क्या करते हैं कि इस कैप को ऐसे डिटैच कर लेते हैं। डिटैच करने के बाद हमें इसमें स्पेसर में इसको अटैच करना है। अटैच करने के बाद क्या करते हैं, इसको फेस पे रखते हैं, बच्चे के फेस पे अच्छे से हल्का सा प्रेस करके रखते हैं ताकि सील अच्छी हो। अटैच करने के बाद हमें इसे बच्चे के फेस पे रख के प्रेस करना होता है। प्रेस करते ही बच्चा उसमें से सांस लेगा। जनरली हम 1 मिनट इसके अंदर ब्रीथ करने के लिए बच्चे को बोलते हैं। 1 मिनट के अंदर अगर बच्चा 8 से 10 लंबी सांसें लेता है तो दवाई सारी बच्चे के लंग्स में पहुंच जाती है और हमारा काम हो जाता है। और जैसे कि हम कई बार क्या होता है कि इसके 2 पफ्स एडवाइस होते हैं, मान लीजिए मॉर्निंग में 2 पफ बताया है तो 1 पफ देने के बाद, मान लीजिए आपने 1 मिनट के लिए 1 पफ लिया, तो उसके बाद बच्चे को 1 मिनट तक नॉर्मल ब्रीदिंग करने दें और वापस फिर इसको सेक करके फिर से हम उसको अटैच करके फिर से सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे तो बच्चे को सही डोज में दवाई मिल जाएगी। तो ये तो हो गए टेक्निक, और हम बच्चे के ऊपर भी देख सकते हैं ये टेक्निक कैसे करना है। सबसे पहले इस MDI को वर्टिकली सेक करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर इसको ऐसे ओपन करके इसमें अटैच करना है। अटैच करने के बाद बच्चे के फेस में रखेंगे और मेंटेन करना है थोड़ा सा एक्सटेंडेड पोजीशन नेक का, और बच्चे को मुंह खोल के सांस करने के लिए बोलना है। उसको पहले इसको प्रेस करना है, प्रेस करना, बच्चे सांस लो, मुंह खोल, हल्का सा मुंह खोल के रखना है। बच्चा गहरी सांसें लेगा, अगर गहरी सांस नहीं भी लेता है तो 1 मिनट में कम से कम अगर 10 ब्रीथ लेता है तो इससे क्या होगा, जो दवाई है वो बच्चे के लंग्स में चली जाएगी और वो फिर उससे बच्चे को आराम आएगा। तो ये है मेथड इसको लेने का। अब बताते हैं कि इसको क्लीनिंग कैसे करना है। तो क्लीनिंग के लिए बहुत सिंपल है कि वीक में एक बार आप इसको क्लीन कर सकते हो। क्लीन करने के लिए इसको आपको डिटैच करना है, डिटैच करके इसको रनिंग टैप वाटर में डालना है, और उसके बाद आपको इसको सिर्फ ऐसे टेबल पे रख के या ऐसे खुली साफ जगह पे रख के एयर ड्राई करने देना है। क्लीनिंग में आप ध्यान रखें कि कभी भी आप बॉइलिंग वाटर या हॉट वाटर का यूज़ ना करें, जिससे कि अंदर वाली सरफेस डैमेज होने का चांस रहता है, और कभी भी कपड़े से अंदर को ना घिसे, तो इससे क्या होगा, वो सरफेस रफ़ हो जाएगी तो दवाई सही से डिलीवर नहीं होगी। तो सिर्फ टैप वाटर से, रनिंग टैप वाटर से इसकी सफाई करनी है और एयर ड्राई करना है। काफ़ी सिंपल है, कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप इन्हेलर का यूज़ कर रहे हो, या तो आप हफपफ किट से कर रहे हो या सिर्फ आप स्पेसर से कर रहे हो या फिर डायरेक्टली भी कर रहे हो, तो इन्हेलर को यूज़ करने के बाद आपको एक बार
माउथ रिंसिंग या माउथ गार्गल कर लेना है ताकि दवाई जो मुंह में लगी है वो मुंह में ना चिपकी रहे, वो बाहर निकल जाए और उसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट बच्चे को ना हो। तो बस इतनी सी बात है, अगर आप इन सब चीज़ों को सही तरीके से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको इन्हेलर में यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बच्चे को डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा भी इस हपफ किट में आपको एक मैनुअल मिल जाता है, जो मैनुअल आपको मदद करेगा ये समझने में कि कैसे आपको हपफ किट को यूज़ करना है। कोई भी अगर टेक्निक रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस किट के यूज़ के लिए हमें क्या करना है। तो बहुत ही क्लियरली सब कुछ यहाँ पर समझाया हुआ है, तो आप ज़रूर एक बार मैनुअल को ज़रूर पढ़ें ताकि आपको जो भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाए। थैंक यू। वेलकम टू बीबी हेल्प। हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।